हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केएमसी मणिपाल के बारे में। तो केएमसी मणिपाल के ऑलमोस्ट दो कैंपस अब और हो चुके हैं। टोटल करंटली इंडिया के अंदर तीन कैंपस हैं, केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर। एक टाटा मणिपाल जमशेदपुर के नाम से ओपन हुआ था लास्ट ईयर ही, है ना, 2020 में आई थिंक ओपन हुआ था, देन फिर 2021। तो इस बार उसका 2022 के जो एस्पिरेंट होंगे उनके लिए थर्ड ईयर होगा, ठीक है। और ये भी जब इस काउंसलिंग में चल रहा था तो आई थिंक राउंड वन हो चुका था, तो बीच में अपीयर हुआ था। डीम्ड यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती, हम सभी को पता है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी है, उनके वो जनरल ही कंसिडर किया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि राउंड वन में क्या कट ऑफ रही थी केएमसी मणिपाल की, तो 561, राउंड टू में 558, राउंड थ्री में 599, केएमसी मैंगलोर में 540, राउंड टू में आपका जो केएमसी मैंगलोर 535, राउंड थर्ड में केएमसी मैंगलोर 547, मणिपाल जो टाटा जो झारखंड जमशेदपुर में है 491, 502 राउंड टू में। एंड देन यहाँ तो देखो आप देख रहे होगे राउंड वाइज और बढ़ जा रही कट ऑफ, इसमें तो बढ़ जा रही कट ऑफ, इसमें भी थोड़ी सी कट ऑफ में राउंड टू में डाउनफॉल आया है, फिर यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया है, यहाँ पर भी कट ऑफ में थोड़ा सा अपग्रेडेशन आया था, यहाँ पर भी अपडेट हुआ है। तो इट्स मीन कि अगर आपको इन तीनों कैंपस में से कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो बिफोर काउंसलिंग आपको पहले से ही डिसाइड करके चलना होगा। और जो यहाँ पर राउंड वन की आपको कट ऑफ दिख रही होगी, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कट ऑफ है, बिकॉज यही आपका एक तरह का सेफ स्कोर रहेगा इन केस अगर कोई भी फ्यूचर में एमसीसी की काउंसलिंग में रूल नहीं चेंज होता है। अब मैं कौन से रूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं 50% सीट जो हमारी गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने की बात चल रही है, इन केस अगर इसमें कुछ वेरिएशन आएगा तो बिल्कुल कोई ना बिल्कुल कट ऑफ में राउंड वन क्या मतलब इट्स मीन की जो नीट 2022 के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एकदम से कट ऑफ अलग हो जाएंगी। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एक नया वीडियो अलग से बना के लेके आएंगे कि क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। अभी ये रूल देखो, है ना, स्टॉक मार्क कर लो, और इस बार के जो भी कट ऑफ फ्लक्चुएशन होने वाले हैं वो इसी रूल के बिहाफ पर होंगे, बिकॉज ये काफ़ी दिन से पिटिशन चल रही थी, वो फाइनलाइज हुई है। तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों तो उन सब में ये क्राइटेरिया है, अदरवाइज जो अभी नॉर्मल फीस है वो आपको नॉर्मल फीस पे आउट करना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी किसी नए अपडेट रिसर्च के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।